गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कुछ ब्लॉग्स। एंड आज का वीडियो होने वाला है कुछ इस प्रकार से कि बहुत से मेरे भाई है, छोटे भाई है, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया एनसीसी कैंप में होता क्या है। तो आज का वीडियो उसके ऊपर ही है कि एनसीसी कैंप में क्या होता है, हम दिन भर क्या करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। क्या बात है वीडियो के मेन टॉपिक में, क्या एनसीसी कैंप में क्या होता है और कैसे कैंप में हम जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपके बैटालियन ऑफिस से आपके स्कूल में या कॉलेज में वैकेंसी आता है, बोल देता है एनओ को, जो एनओ है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर आपके ग्रुप का, मतलब स्कूल का या कॉलेज का जो एनओ है, उसको बैटालियन से बोल दिया जाता है कि इतना वैकेंसी है आपके स्कूल के लिए। ठीक है, हर स्कूल के लिए एक लिमिटेड वैकेंसी होता रहता है, मतलब आप कहेंगे 5, 10, 12 एकदम 10 ही होता है। वो टाइम किया था वो, उसमें 10 वैकेंसी था, 10 लोग गए, तो पता रहता है इतना वैकेंसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए। तो उसके बाद होता है सिलेक्शन। ठीक है, स्कूल में कॉलेज में करवाया जाता है, अपने सीनियर और एनओस के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। अगर ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक कैंप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 12 बच्चे दे रहा है, 13 बच्चे, तो उसमें से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो स्कूल का एनओ या सीनियर्स करवाता है वो सिलेक्शन। छोटा सा ड्रिल टेस्ट होता है, कुछ आपका क्वेश्चन किया जाता है, और इसमें जो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं वो कैंप के लिए जाता है। तो अब कैंप में होता है, सबसे पहले हम अगर सिलेक्शन हो जाता है स्कूल से या कॉलेज से, तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है एक रिस्क फॉर्म। ठीक है, वो रिस्क फॉर्म उनका आप देख रहे हैं, ऐसा रिस्क फॉर्म होता है, तो उसको हम अपने घर से फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, मम्मी पापा के घर से फिलअप करवाना पड़ता है, और उसके साथ और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमको ले जाना पड़ता है कैंप। तो कैंप में एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, तो मैं जब कैंप किया था एक साल पहले, तब हमें सुबह 10 बजे को एक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था। तो हम जो भी बच्चे साढ़े नौ बजे कैंप के पहुंच गए, तो वहां पर जाके रिपोर्टिंग रिसेप्शन है, उसमें अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब दिया जाता है। देने के बाद हम लोगों को एक मील कार्ड दिया जाता था। ठीक है, खाने का, तो सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच और रात का डिनर, उसके लिए मिल कार्ड हम लोगों को इशू किया जाता है। तो मतलब जब हम खाने जाते थे उस मिल कार्ड को शो करके हमें खाना मिलता था। तो 10 दिन का कैंप होता है, तो पहले दिन रिसेप्शन में जाके सब मिल कार्ड वगैरह लेके अपने बैरक्स में जाके सामान वामान समेट के हम लोग जाते थे लंच करने। अब लंच होता था कैंप में 12:30 से 1:30 बजे तक का टाइम होता है लंच। तो हम लंच वंच करके, पहले दिन का मैं बात कर रहा हूँ कि पहले दिन हम जाके क्या क्या करते हैं, तो रिसेप्शन का काम हो गया, सामान समेटना हो गया, उसके बाद हम जाते हैं लंच करने। लंच करने के बाद हम रेस्ट करते हैं 1 से 1.5 घंटे। ठीक है, और जैसे 3 बजता है हम लोग जाते हैं गेम प्लेयर के लिए, खेल वगैरह होता है जो जो खेला जाता है, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब खेलते रहते हैं। और उसके बाद पहले दिन 4 बजे होता था हमारा रोल कॉल पैरेंट। रोल कॉल पैरेंट में हमें बताया जाता था कि अगले 10 दिन हम कैंप में क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, अगले दिन का शेड्यूल हमें बताया जाता था रोल कॉल पैरेंट। रोल कॉल पैरेंट के बाद हम लोग डिनर करने जाते थे। रोल कॉल पैरेंट होता था, पहले दिन होता था 4 से 6 बजे तक, और कैंप में हमको 7:30 से 7 बजे के अंदर डिनर करना पड़ता था। 6:30 से 7:30 डिनर करना पड़ता था। तो रोल कॉल बैठ के बाद हम करने जाते थे डिनर। तो डिनर करने के बाद हम चले जाते थे सोने। ठीक है, तो ये गया पहले दिन का रूटीन। दूसरे दिन से शुरू होता है कैंप का असली खेल। ठीक है, जो ट्रेनिंग दूसरे दिन से शुरू होता है। दूसरे दिन मुझे अभी भी याद है, मैंने उठा था, मतलब 5 बजे पीटी होता है, सबसे पहले सुबह 5 बजे से पीटी होता है, तो हम लोगों को 4 बजे तक उठ जाना पड़ता है। 4 बजे फ्रेश, बहुत क्योंकि बहुत लाइन लग जाता था बाथरूम में, हम फ्रेश ट्रेश होकर 4 बजे अपना पीटी ड्रेस पहन के हम जाते थे ग्राउंड में। भाई मान के आप मानो,
मैं जब मैं पहली बार कैंप में गया था, मैं उसके पहले मैं घर में जब रहता था मैं दौड़ता पकड़ा नहीं। कैंप में पहली बार पहले दिन जाके मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, ठीक है 10 किलोमीटर दौड़ना के सभी कैंप में नहीं होता, कुछ कैंप में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर होता है, कुछ कैंप में ज़्यादा दौड़ाता है, तो वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर है कितना आपको दौड़ाएगा। तो दौड़ना कम्प्लीट हो गया, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, ये होता है आपका पीटी होता है 6 से 5:30 को हम लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। पीटी शुरू होता था 6 से 7:30 बजे तक, ठीक है, और 8 बजे हम लोग अपने पीटी से करके अपने बैग्स में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग खाने ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट में हम लोग एक दिन एक टाइप का ब्रेकफास्ट मिलता था, कुछ दिन पूरी और घुगनी जो बोलता है वो हो गया, ठीक है, कुछ दिन ब्रेड हो गया, और अंडा रहता ही था, अंडा रोज सुबह हम लोगों को मिलता था। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके फिर बैरक में आए, आकर हमारा जो यूनिफॉर्म है एनसीसी का वो हम मैंने ट्रेनिंग कर का जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म हम पहनते थे, वो यूनिफॉर्म हम पहनते थे, पहनकर हम चले जाते हैं ग्राउंड में। तो वहाँ पर होता था अब, हाँ तो हम ग्राउंड में 10 बजे उस टाइम हम ग्राउंड में चले जाते थे, तब हमारा होता है ड्रिल पीरियड, ठीक है, ड्रिल परेड जिसे बोलते हैं वो होता था 10 से 7:30, आधा घंटे का ड्रिल होता है। उसके बाद होता था क्लास वगैरह, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए तो कैंप करने आए हैं, एग्ज़ाम में जो जो आएगा उसके ऊपर क्लास होता था, वेपन ट्रेनिंग का, मैप रीडिंग का, लीडरशिप क्वालिटी और जनरल नॉलेज वगैरह का क्लास होता था। 1 बजे हमारा क्लास ख़त्म होता था, हम फिर बैरक में आते थे, आकर हम लंच करते थे, लंच करने के बाद 1 घंटा हमको रेस्ट मिलता था, तो 2 से 3 बजे तक, और 3 बजे से फिर 5 बजे तक, 3 बजे तक हमें रेस्ट मिलता था, और 3 से 5 बजे तक गेम पीरियड होता था, ठीक है, और 5 बजे से गेम पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आते थे रोल कॉल परेड के लिए, ठीक है, ग्राउंड में रोल कॉल परेड, वही पिछले अगले दिन क्या होगा, क्या शेड्यूल होगा वो हम लोगों को बता देते थे। उसके बाद होता था हम लोग डिनर करने के लिए चले गए, डिनर करके फिर से सो के वही रूटीन चलता रहता था। तो ये गया एक टॉपिक के एनसीसी कैंप में हम क्या करते हैं, और दूसरा टॉपिक जो है मुझे बोला गया था कि एनसीसी कैंप में क्या ट्रेनिंग होता है। तो देखो भाई, एनसीसी कैंप में होता है आपका फिजिकल जो ट्रेनिंग वगैरह सुबह वो तो होता ही है, दूसरा होता है हम लोग को वेपन ट्रेनिंग जो है वो सिखाया जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ है जो हम लोग को फायरिंग की करवाया जाता है, और ऑब्स्टिकल कोर्स जो है वो भी करवाया जाता है, ठीक है। तो क्या 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 ट्रेनिंग होता है, अब बात है कि किस किस राइफल से एनसीसी कैडेट को फायरिंग करवाया जाता है, और ट्रेनिंग मतलब राइफल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो गाइस, मैंने फायरिंग किया था 0.22 स्पोर्टिंग राइफल, ठीक है, मैंने 5 बार फायरिंग किया था, मतलब बैटलियन में किया था, कैंप में 4 बार किया था, मतलब मैं अपनी लाइफ में 5 बार फायरिंग किया था, शायद 30 से 40 राउंड मैंने फायर किया कैंप में, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो बंदा एनसीसी का है और वीडियो देख रहा है उसको पता ही है कि फायरिंग करना कैसा लगता है, और कैसा जब आप लाइफ में पहली बार राइफल को पकड़ते हो, वो बुलेट अपने हाथ से राइफल में लोड करते हो और कॉक करते हो, उसके बाद फायर जब करते हो तो वो कैसा फीलिंग्स है, तो जो एनसीसी का बंदा है उसको पता ही होगा। वह फायर की बात और किस किस राइफल का इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है, तो सबसे पहले ये जिससे फायर होता है या आप स्क्रीन पर देख रहे हो पॉइंट राइफल, दूसरा है SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, तीसरा है LMG 7.62 LMG लाइट मशीन गन, ठीक है, इन तीनों राइफल का जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है। और मैंने देखा है कुछ और कैंप में इस राइफल का भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये देखा, ये मतलब मैं श्योर नहीं, मतलब बहुत कैंप में मैंने देखा है, फ़ोटो देखा है कि ये इन सब राइफल का भी ट्रेनिंग एनसीसी को दिया जाता है, तो राइफल के साथ उन लोगों को फोटो ही
मतलब इंफॉर्मेशन दिया जाता है इन सब लाइफ। हमारे टाइम में वही होता था, पॉइंट टू राइफल होता था और आपका SLR होता था, सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 और 7.62 LMG होता था। तो इन तीनों राइफल का ही हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाता था, हम लोग पॉइंट टू से फायरिंग करते थे। तो हो गया राइफल इंफॉर्मेशन की बात है। और अब जो है NCC कैंप में होता, किस किस का किस किस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को पढ़ाया जाता है डिफेंस का, तो वो है नंबर वन, तो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, ये होता था एक क्लास हम लोगों को। और दूसरा होता था राइफल के ऊपर, वो जो तीनों राइफल 0.23 LMG और सेल्फ लोडिंग राइफल SLR, इसका होता था। और तीसरा मैप रीडिंग के ऊपर हम लोगों को क्लास करवाया जाता था। तो दो दिन का हम लोगों को वो लीडरशिप क्वालिटी उसके बारे में क्लास होता था, ठीक है। दो दिन का हमारा होता था पॉइंट टू के राइफल के ऊपर क्लास, और दो दिन का होता था SLR राइफल के ऊपर, और तीन दिन का होता था LMG के ऊपर। अब कुछ कुछ कैंप में SLR का डिटेल्स देकर ही हम लोग को फायरिंग के लिए भेजा जाता था, या LMG का थोड़ा सा डिटेल्स देकर हम लोग को फायरिंग के लिए भेजा जाता था। हम फायरिंग करके फिर से आते थे, थोड़ा दिन भी थोड़ा सा LMG का समझे हम लोग फायरिंग के लिए भेज दिया जाता था। फायरिंग होता ही है कैंप, हर कैंप में फायरिंग होती है, तो घबराने वाला कोई बात नहीं। हम लोग कैंप भेजा, आप लोगों को भी फायरिंग करने का मौका मिलेगा। अगर ट्रेकिंग कैंप नहीं हुआ तो ट्रेकिंग कैंप में फायरिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो यही कुछ चीज़ होता था कैंप में, जो मेन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो मैं आपको बता ही दिया था, और कुछ छोटा मोटा चीज़ होता है वो बताना ना बताना जैसा है। और 10 दिन का कैंप होता है, लास्ट के दिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, कैंप सर्टिफिकेट और PA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, और ये आपको देकर आपको अपने घर भेजते हैं। तो गाइज, मैं जब पहली बार कैंप में गया था, पहला वाला दिन मुझे बहुत डरा हुआ सा था, क्योंकि घर वाले को छोड़कर पहले कभी नहीं बाहर गया था। तो पहले दिन बहुत ख़राब लग रहा था, घर वालों के लिए बहुत दुख हो रहा था। लेकिन दूसरे दिन जब शुरू हुआ तो एक अलग सा मोटिवेशन आया, नहीं चलो कैंप में है। और एक बात, हमारे आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वही हमारा कैंप कंडक्ट करता है और वही हम लोग को ट्रेनिंग देता है, तो उन लोगों को देख कर भी थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ, चलो आर्मी हमको ट्रेनिंग दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। और तीसरे दिन चौथे दिन से हम लोगों का नया दोस्त वहाँ पे बनने लगा, एक अलग सी फैमिली वहाँ बनने लगा। तो जब मैं पहले दिन कैंप के मतलब घर को छोड़कर कैंप में गया था तब मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब 10वें दिन कैंप से घर आने वाला था तब उससे भी ज़्यादा दुख था कि इतने सारे फ्रेंड एक फैमिली जैसा बन गए थे, एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, तो बहुत दुख हुआ हम लोगों को छोड़कर जाने वाला। पहले दिन आप लोगों को बहुत दुख सा लगेगा कि घर वाले को छोड़ना, लेकिन लास्ट का दिन आपके लाइफ का मेमोरी बन गया। आप लोग NCC ज्वाइन कीजिए सारे, कैंप का मजा एक बार जरूर लीजिए, एक अलग सा एक्सपीरियंस। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही, जो बता था आपको बता दिया। और वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब अपने घर से रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।